हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा लॉक मिक्सचर, या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या इसको कभी कभी हम लॉक मिक्सचर भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि हीट एनर्जी क्या होती है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी को हमने किसी हायर टेम्परेचर T1 केल्विन पे रखा। मान लो एक बॉडी है हायर टेम्परेचर T1 केल्विन पे, हो सकता है कि ये बॉडी सॉलिड हो, या हो सकता है कि ये बॉडी लिक्विड हो। उसके पास में हमने एक दूसरी बॉडी को रखा, दिस इज द सेकंड बॉडी, दिस इज बॉडी फर्स्ट, और ये बॉडी सेकंड है। और बॉडी सेकंड को हमने रखा लोअर टेम्परेचर T2 केल्विन पे। मान लो इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन, मतलब इसका टेम्परेचर है T1 केल्विन और इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन, और हम सपोज कर रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे है और ये बॉडी है लोअर टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी, इस बॉडी को हम बोलेंगे हॉट बॉडी, तो ये हॉट बॉडी है। और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होगी, इसको हम बोलेंगे कोल्ड बॉडी, तो ये होगी कोल्ड बॉडी। और इसके बाद जब हम इनके बीच में कांटेक्ट करेंगे, या जब इन दोनों बॉडीज की हम मिक्सिंग करेंगे, तो लिक्विड होने पे हम इनको मिक्स करेंगे, और अगर ये सॉलिड बॉडीज होंगे तो इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे। तो मिक्स करने के बाद या कांटेक्ट में लाने के बाद यहां से कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यहां से कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मान लो यहां से कुछ क्यों एनर्जी एक्सचेंज हो गई, और एनर्जी कहां से एक्सचेंज होगी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये जो क्यों एनर्जी यहां पे एक्सचेंज हो गई, इसी क्यों एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जिस एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू बॉडीज, जब वो दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं बेटा। तो हीट एनर्जी का डिफिनेशन क्या आएगा, एनर्जी दैट इज एक्सचेंज्ड। तो अगर आपको हीट एनर्जी लिखना है तो पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे हीट एनर्जी। तो व्हाट इज हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी एक्सचेंज्ड, एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडीज के बीच में जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और ये एनर्जी का एक्सचेंज क्यों होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि इस एक बॉडी का हायर टेम्परेचर है और दूसरी बॉडी का लोअर टेम्परेचर है, और एनर्जी एक्सचेंज होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, जब उनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो जब दो बॉडीज को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तब इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और वो एनर्जी का एक्सचेंज तभी होगा जब उन दोनों बॉडीज के बीच में होगा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इन कॉन्टैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उन दो बॉडीज के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। तो इज नोन एज हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी का डिफिनेशन बेटा, ठीक है। तो याद रखना चाहिए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स पे, जब कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तब चार्ज का फ्लो होता है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के एंड्स पे है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने पढ़ा होगा कि अगर इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि इस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और इस एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और मान लो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, वी वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है कंडक्टर के एंड्स पे, तब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है,
तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, तो जो चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर है ना, तो उसी चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होती है। मतलब हम समझेंगे कि बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है, ठीक उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी फ्लो होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होता है, और एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा यहाँ पे बेटा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इसी एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हीट एनर्जी क्या होती है बेटा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब अभी हमने पढ़ा कि जब दो बॉडीज, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं या इनके बीच में मिक्सिंग करते हैं, तब इनके बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो अगर जिस टाइम में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, अगर उस टाइम में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के दौरान अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तब जो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी वो होती है हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। मतलब जितना हीट एनर्जी हॉट बॉडी लॉस करेगी उतना एनर्जी कोल्ड बॉडी गेन करते हैं, इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर। अब इस लॉ ऑफ मिक्सचर को एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लो ये लिक्विड है मेरे पास, और लिक्विड वन है मेरे पास, इसको फर्स्ट लिक्विड फर्स्ट में कहूंगा, और मान लो इस लिक्विड का मास है एम वन, और इस लिक्विड के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस वन, ठीक है, एम वन एस वन, ठीक है। एम वन क्या है, लिक्विड का मास, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है एस वन, और इस लिक्विड को हमने रखा थीटा वन टेम्परेचर पे, मान लो इसका टेम्परेचर है थीटा वन। तो एक लिक्विड हमने सपोज किया है जिसका मास है एम वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस वन, और इसको हमने रखा किस टेम्परेचर पे, थीटा वन टेम्परेचर पे। और मान लो मेरे पास एक दूसरा लिक्विड है यहाँ पे, दिस इज लिक्विड सेकेंड, ये दूसरा लिक्विड है, और दूसरे लिक्विड का मास है एम टू, मान लो इसका मास है एम टू, इस लिक्विड दूसरे लिक्विड की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मान लो एस टू, और मान लो इस लिक्विड को हमने थीटा टू टेम्परेचर पे रखा, थीटा टू टेम्परेचर, और हम सपोज करेंगे कि थीटा वन जो है, थीटा वन टेम्परेचर जो है मान लो ये लेस देन है थीटा टू से। सपोज मैंने किया कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमने लिक्विड वन को रखा वो कम है किसे, टेम्परेचर जिस पे हमने लिक्विड टू को रखा, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वो बन जाएगी कोल्ड बॉडी, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा है इसका थीटा टू सेकेंड लिक्विड का, तो वो बनेगी हॉट बॉडी, तो ये कोल्ड हॉट बॉडी बन गई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लिक्विड्स की मिक्सिंग करेंगे, मतलब इनको एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। अब हम करेंगे इनकी मिक्सिंग, अब मैंने किया इनकी मिक्सिंग, ये मैंने मिक्स कर दिया इनको, लिक्विड वन को मैंने लिक्विड टू में मिक्स कर दिया, और जब हम मिक्सिंग करेंगे तब हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। किस कहां से कहां तक हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी, फ्रॉम हॉट लिक्विड टू कोल्ड लिक्विड, मतलब हीट एनर्जी का इधर एक्सचेंज होगा। तो कितनी एनर्जी एक्सचेंज होगी, हीट एनर्जी मान लो क्यों, तो क्यों एनर्जी का एक्सचेंज होगा यहां से, है ना। और हीट एनर्जी तब तक एक्सचेंज होगी जब तक इस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा कहां से, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तब तक होगा जब तक दोनों लिक्विड्स सेम कॉमन टेम्परेचर पे रीच ना करे, मतलब दोनों का कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम मिक्सचर टेम्परेचर कहते हैं या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और मान लो ये हीट एनर्जी फ्लो होती गई फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो गया, अब मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा है बेटा,
पहले इसका टेम्परेचर कितना था, थीटा वन, इसका था थीटा टू। थीटा वन कम था और थीटा टू ज्यादा था, इसलिए हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी। फिर हीट का एक्सचेंज हो गया जब मैंने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया और हीट एनर्जी का एक्सचेंज हुआ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये हीट एनर्जी तब तक एक्सचेंज होगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब तक मिक्सचर का टेम्परेचर कॉमन ना हो जाए। और मान लो मैंने माना कि मिक्सचर का टेम्परेचर अब थीटा हो गया, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है या लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मिक्सचर कहता है इट्स स्टेट इज दैट, अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, इट्स स्टेट इज दैट दैट इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के दौरान अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा बेटा, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में वो लॉस नहीं होगी या किसी दूसरे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में लॉस नहीं होगी, तब ये कहता है स्टेटमेंट हीट लॉस। अब हीट किसने लॉस की, तो हॉट बॉडी जो है वो हीट लॉस करेगी और जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट गेन करेगी, क्योंकि यहां से एनर्जी निकली, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉट बॉडी। और जिस बॉडी से हम हीट ड्रा करते हैं, मतलब लिक्विड वन लिक्विड सेकंड से हमने हीट को ड्रा किया, बाहर निकाला हीट को, और जिस लिक्विड से हम हीट या जिस बॉडी से हम हीट ड्रा करते हैं उसका टेम्परेचर घटता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जिसे हम हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब ये हीट यहां से निकली इसका टेम्परेचर कम होगा और ये हीट इसमें ऐड हो गई, किसमें, कोल्ड बॉडी में, मतलब लिक्विड वन में ये ऐड हो गई और इसीलिए लिक्विड वन का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका बढ़ा इसका घटा, और दोनों का टेम्परेचर कितना हुआ, तो दोनों का टेम्परेचर हुआ थीटा, और ये थीटा है इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर, इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी कहते हैं बेटा, या मिक्सचर का टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि हॉट बॉडी जो है, यहां पे हॉट बॉडी ये है, तो हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेनड। अब हीट किसने गेन किया, तो हीट को गेन किया कोल्ड बॉडी ने, इसने लॉस किया इसने गेन किया, इसका टेम्परेचर घटा और इसका टेम्परेचर बढ़ा, और तब तक जब तक दोनों का कॉमन टेम्परेचर ना आ गया, मतलब इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब दोनों जब मिक्स हो गए तो फिर दोनों में एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, उस कॉमन टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। तो क्या लिखा मैंने, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो यही बनता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री, ये कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल है बेटा, और इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ मिक्सचर। तो ये है लॉ ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इसका स्टेटमेंट बेटा, आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट याद हो गया। इट स्टेट दैट इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, शॉर्ट में हम इसको याद रख सकते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, अगर इतना भी याद आप रखोगे तो काफी है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। और हीट कौन लॉस करती है, हीट लॉस करती है हॉट बॉडी, और हीट गेन कौन करती है, कोल्ड बॉडी। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर। अब हम इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का डेरिवेशन करेंगे बेटा, मतलब हम इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को फाइंड करेंगे बेटा, और फिर बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, ठीक है। या 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को हम मिक्स करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर के साथ, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को हम मिक्स करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो उस केस में जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे, किसका,
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इसने कितनी हीट लॉस की, इस हॉट बॉडी ने या लिक्विड सेकंड ने कितनी हीट लॉस की। तो हीट लॉस का फॉर्मूला या हीट गेन का फॉर्मूला ये होता है बेटा, हीट लॉस हीट गेन का फॉर्मूला ये है बेटा, क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा है राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे बेटा। व्हाट इज दिस क्यू, हीट लॉस या हीट गेन, ये हीट लॉस और हीट गेन का फॉर्मूला है बेटा। और एम है उस बॉडी का मास, ऐसे उसके मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा थीटा है राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो चलो पहले देखते हैं कि इसने कितनी हीट लॉस की इस हॉट बॉडी ने, तो कितनी लॉस की होगी इसने, तो इसका मास कितना है हॉट बॉडी का, तो लिक्विड सेकंड जो हॉट बॉडी है इसका मास है m2, तो हम लिखेंगे m2, और फिर इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हॉट बॉडी की, तो वो है s2, तो यहाँ पे आएगा s2, और फिर आएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा राइज इन टेम्परेचर या ड्रॉप इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर घटा क्योंकि इसने हीट लॉस की बेटा, और यहाँ पे टेम्परेचर में डिक्रीज आया, और टेम्परेचर में डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक आया, पहले इसका टेम्परेचर कितना था, तो पहले इसका टेम्परेचर θ2 था, तो इसका टेम्परेचर θ2 था मिक्सिंग से पहले इसका टेम्परेचर θ2 था, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया थीटा, तो पहले θ2 था अब कितना हो गया थीटा, तो कितना टेम्परेचर में फॉल आया, तो टेम्परेचर में फॉल आया θ2 माइनस थीटा, क्योंकि पहले θ2 था मिक्सिंग से पहले, इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर θ2 था, और मिक्सिंग के बाद इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो गया थीटा, तो मिक्सिंग के बाद इसका टेम्परेचर थीटा हो गया बेटा, तो कितना लॉस आया टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर में लॉस आया या ड्रॉप इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, तो फॉल इन टेम्परेचर है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा है यहां पे θ2 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे यहां पे θ2 माइनस थीटा, तो ये आ गया लॉस इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। ये फॉल इन टेम्परेचर मैंने इसके बदले लिख दिया, डेल्टा थीटा है यहां पे फॉल इन टेम्परेचर। उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहां पे है हीट गेन। अब हीट गेन किसने की, कोल्ड बॉडी ने, तो कोल्ड बॉडी ने कितनी हीट गेन की, जितनी इसने लॉस की। अब वो हीट गेन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हीट गेन का फॉर्मूला आएगा m1 किसका, कोल्ड बॉडी का मास है ना, उसके बाद आएगा कोल्ड बॉडी की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब m1 into s1। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसका टेम्परेचर पहले कितना था θ1, ठीक है, और जब इसे क्यों हीट मिली तो इसके टेम्परेचर में राइज हो गया, क्योंकि पहले इसका टेम्परेचर था लोअर टेम्परेचर θ1, और जब इसको हम क्यों हीट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसने लॉस के ये गेन करेगा, तो कोल्ड बॉडी जब ये क्यों हीट एनर्जी गेन करेगी तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा θ1 से थीटा, तो यहां पे आएगा राइज इन टेम्परेचर, और राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो राइज इन टेम्परेचर होगा θ-θ1 है ना, क्योंकि θ1 है स्मॉल आर टेम्परेचर, कम से वो कितना ज्यादा हो गया, कितना हो गया थीटा है ना, तो इसका टेम्परेचर θ1 से बढ़कर कितना हो गया थीटा, तो θ1 से वो बढ़कर थीटा हो गया, तो इसका मतलब आएगा θ-θ1, मतलब राइज इन टेम्परेचर होगा θ-θ1 है ना, क्योंकि वो बड़ा टेम्परेचर है, पहले वो θ1 था और θ1 से बढ़कर थीटा हो गया, तो थीटा लार्जर टेम्परेचर है यहां पे, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करना है, तो लार्जर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर आपको देगा राइज इन टेम्परेचर, तो यहां पे राइज इन टेम्परेचर होगा θ-θ1, तो ये है बेटा हीट गेन, तो ये हो गया हीट लॉस और ये हो गया हीट गेन, और यहां से हम थीटा को फाइंड कर सकते बेटा। व्हाट इज थीटा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या मिक्सचर का टेम्परेचर, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो अब, तो क्या करेंगे शबाश, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा यहां पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m2 into s2, या ऐसे पहले हम इसको एक जनरल फॉर्म में इसको लाएंगे, जनरल फॉर्म में बाद में थीटा मिक्सचर का हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो पहले इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, इस क्वांटिटी को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो हम बोलेंगे कि नेट लॉस या नेट गेन वो जीरो होता है,
नेट लॉस, ना कोई हीट लॉस हुआ ना कोई हीट गेन हुआ बेटा, मतलब नेट लॉस एंड नेट गेन हो यहां पे जीरो होगा। तो क्या करेंगे शबाश, इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा m2 s2, ठीक है, और यहां पे आएगा थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा सॉरी, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस आएगा यहां पे साइन। तो क्या आएगा माइनस साइन, माइनस m1, माइनस m1, और यहां पे आएगा s1, और फिर यहां पे आएगा थीटा माइनस थीटा 1, मतलब यहां पे आएगा थीटा माइनस थीटा वन, ऐसा आ जाएगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं जीरो के बराबर, मान लो ये जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये है नेट लॉस या नेट गेन, वो क्या है जीरो। तो मैंने इसको इधर ट्रांसपोज किया बेटा, एम वन एस वन थीटा माइनस थीटा वन को इधर ट्रांसपोज किया। अब इस माइनस को हम कॉमन लेंगे, यहां पर जो माइनस है यहां पे, इसको हम इस टर्म में कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस एम टू, एम टू एस टू, एम टू एस टू, उसके बाद क्या है यहां पे, तो ये आएगा, अब देखो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा थीटा माइनस थीटा टू, मतलब थीटा माइनस थीटा टू, ऐसा आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू, और यहां पर आएगा माइनस शबाश m1 s1, m1 s1, और ये आएगा फिर से थीटा माइनस थीटा वन, थीटा वन, और यहां आएगा इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा। अब अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, ये माइनस कॉमन आएगा इसमें और इसमें माइनस कॉमन आएगा, और उस माइनस को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस को ट्रांसपोज करने पे ये प्लस बन जाएगा बेटा यहां पे, क्योंकि माइनस जीरो है ना, तो ये माइनस माइनस यहां पे कॉमन लेगा तो उधर ट्रांसफर होगा तो खत्म हो जाएगा माइनस, और ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब फाइनल फॉर्मूला हम क्या याद रखेंगे, तो फाइनल फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स के लिए ये याद रखो, एम टू एस टू, एम टू एस टू इंटू ब्रैकेट में लिखो थीटा, मतलब फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ थीटा टू, मतलब हॉट बॉडी, इस तरह से लिखना है बेटा। और यहां पे आएगा प्लस, क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, तो प्लस, तो फिर से लिखना है m1 मतलब कोल्ड बॉडी का मास, और s1 कोल्ड बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर आएगा मिक्सचर का टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है थीटा, और यहां पे आएगा माइनस थीटा वन, मतलब यहां पे कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर थीटा वन है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, और ये आ गया बेटा इज इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मेट में इसको याद रखो बेटा, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिली हमें, इसको आपको हमेशा याद रखना है, और इस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखो बेटा, m2 s2 थीटा माइनस थीटा 2 प्लस m1 s1 थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू जीरो। अब एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बेटा, दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे मिक्सचर का टेम्परेचर का फॉर्मूला, मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो हम डिराइव करेंगे। अब हम करेंगे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो आप यहां पे लिखिए, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अब हम करेंगे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो यहां पे मैं लिखता हूं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो चलो यहां पे लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, और मिक्सचर है यहां पे कितना है थीटा, मिक्सचर का टेम्परेचर मैंने थीटा सपोज किया है, इस थीटा को हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। चलो अब कैसे फाइंड करेंगे थीटा को, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, m2 s2 थीटा 2 माइनस थीटा, है ना। तो क्या करते हैं बेटा, देखो ये है m2 s2 थीटा 2, और यहां आएगा माइनस m2 s2 थीटा, यहां पर m1 s1 थीटा, और फिर यहां पे आएगा माइनस m1 s1 थीटा 1। तो जो थीटा वाली टर्म जो है ना, थीटा वाली टर्म यहां पे भी आएगी एक, और थीटा वाली टर्म यहां पे भी आएगी, उनको एक एक जगह ट्रांसपोज करेंगे बेटा, मतलब ये जो है ना m1 s1 थीटा, तो हम लिखेंगे m1 s1 थीटा, ये लिख दिया मैंने, ये वाली टर्म पॉजिटिव टर्म m1 s1 थीटा, और यहां आएगा m2 s2 माइनस थीटा, मतलब आएगा माइनस m2 s2 थीटा, तो माइनस m2 s2 थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर ट्रांसपोज करने पे
ये प्लस बन जाएगा, क्या इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब वो आएगा एम टू एस टू थीटा। फिर से कह रहा हूं बेटा, ये टर्म जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, एम टू एस टू इंटू माइनस थीटा हो गया माइनस एम टू एस टू थीटा, माइनस एम टू एस टू थीटा को इधर मैंने ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा एम टू एस टू थीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा ये शबाश, तो ये आएगा बराबर। अब यहां क्या बचा, अब यहां पे बचा राइट हैंड साइड में है ना, अब यहां पे बचा एम टू एस टू थीटा टू और ये है एम वन एस वन थीटा वन है ना, एम वन सॉरी माइनस एम वन एस वन थीटा वन, माइनस एम वन एस वन थीटा वन और यह है एम टू एस टू थीटा टू, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज करेंगे बेटा। तो देखो एम वन एस वन जो माइनस एम वन एस वन थीटा वन है इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये आएगा इस तरह से बेटा एम वन एस वन थीटा वन। तो ये कम से कम आपको ये आना चाहिए, ये छोटा सा एलिमेंट्री छोटा बच्चा भी ये कर सकता है कैलकुलेशन, तो ये कम से कम आपको ये आना चाहिए बेटा। तो देखो एम वन एस वन माइनस थीटा वन तो आएगा माइनस एम वन एस वन थीटा वन, एम वन एस वन माइनस एम वन एस वन थीटा वन को इधर ट्रांसपोज किया मैंने तो आएगा एम वन एस वन थीटा वन, और इसके बाद क्या बचा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बचेगा एम टू एस टू थीटा टू, एम टू एस टू थीटा टू ये आ गया बेटा। अब यहाँ से थीटा को कॉमन लेंगे तो थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो थीटा कॉमन लेने पर क्या आएगा शबाश, तो यह आएगा एम वन यहाँ एस वन प्लस यहाँ पे आएगा एम टू यहाँ पे आएगा एस टू और मैंने कॉमन लिया थीटा मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर मैंने कॉमन लिया है इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू एम वन एस वन थीटा वन प्लस एम टू एस टू थीटा टू ऐसा आएगा है ना। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं थीटा मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, तो जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तब उनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तब तक होगा जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम ना आ जाए मतलब दोनों का कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा और उसी कॉमन टेम्परेचर को हम मिक्सचर का टेम्परेचर कहते हैं। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो मिक्सचर का टेम्परेचर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे थीटा इज इक्वल टू शबाश क्या है फॉर्मूला एम वन एस वन थीटा वन प्लस एम टू एस टू थीटा टू है ना, और इसे डिवाइड क्या करेंगे एम वन एस वन तो एम वन एस वन एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू ये आ गया फॉर्मूला हमारा फाइनल। ठीक है बेटा तो ये है मिक्सचर का फॉर्मूला, मिक्सचर के टेम्परेचर का फॉर्मूला, और इसीलिए हम इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे अब साफ तौर पे कि थीटा जो है मिक्सचर का टेम्परेचर जो होता है वो किसके बराबर होता है, होता है एम वन एस वन थीटा वन। अगर आप तीन लिक्विड्स को मिक्स करेंगे बेटा तो मालूम है तीन लिक्विड्स को मिक्स कर रहा हूँ तो पहले क्या आएगा एम वन एस वन थीटा वन प्लस दूसरा आएगा एम टू एस टू थीटा टू है ना, उसके बाद आएगा तीसरा एम थ्री एस थ्री और यहाँ पे आएगा थीटा थ्री और ये चलता रहेगा। देखो अगर दो लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हो या दो सॉलिड बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में ला रहे हो तो फिर आएगा एम वन एस वन थीटा वन प्लस एम टू एस टू थीटा टू, बट अगर तीन बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ला रहे हो या तीन लिक्विड्स की मिक्सिंग कर रहे हो तो फिर यहाँ पे तीसरा भी आएगा एम थ्री एस थ्री थीटा थ्री और इसके नीचे डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा शबाश तो डिवाइड में आएगा एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू मतलब एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू प्लस एम थ्री एस थ्री। तो ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो ये और दूसरा मिक्सचर का टेम्परेचर, इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर नीट में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाद में हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन,
द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू. आर वन इज 1.5 आर टू थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो. तो क्वेश्चन में बोला गया हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स. तो मेरे पास दो सॉलिड कॉपर स्फीयर्स है बेटा. ये पहला कॉपर स्फीयर है और इसका रेडियस है आर वन. ये कॉपर का बना है. और इसी तरह से दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर टू. इसका रेडियस है आर टू और ये भी उसी मटेरियल का बना है, मतलब ये भी कॉपर का बना है. मतलब दोनों स्फीयर्स सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, बट रेडियस इनका अलग अलग है. और हमें बताना है, अब यहां पे बोला गया कि ये जो रेडियस आर वन है, तो ये रेडियस आर वन है फर्स्ट स्फीयर का, ये इस सेकंड स्फीयर के रेडियस से कितना ज्यादा है? 1.5 टाइम्स मोर देन द रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर. तो ये गिवन है बेटा, आर वन इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स आर टू. अब आपको बोला गया कि इसको हमने बाहर से कुछ हीट सप्लाई किया बेटा. तो मान लो मैंने क्यू वन हीट सप्लाई की और इस क्यू वन हीट से हमने क्या किया, इस कॉपर स्फीयर के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाया. क्यू वन से मैंने इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाया, मतलब यूनिट अमाउंट से इसका टेम्परेचर राइज किया. और इसी तरह से यहां से हमने कितना हीट सप्लाई किया इसको, क्यू टू. मान लो मैं क्यू टू हीट सप्लाई कर रहा हूं सेकंड कॉपर स्फीयर में, और फिर क्यू टू हीट से मैंने इसका टेम्परेचर फिर से यूनिट अमाउंट से राइज किया, मतलब फिर से 1 केल्विन से राइज किया बेटा. तो आपको बताना है क्यू वन और क्यू टू का रेशियो क्या है, मतलब यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू वन बाय क्यू टू. ये हमें फाइंड करना है बेटा. आपको सब क्वेश्चन तो समझ आया होगा बेटा. अब ये क्यू वन क्या है बेटा? तो ये क्यू वन जो है ना, यहाँ पे इस कॉपर स्फीयर में जो हम हीट ऐड कर रहे हैं बेटा, व्हाट इज दिस क्यू वन? ये है हीट कैपेसिटी. क्योंकि हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी एम मास बॉडी में अगर हम टेम्परेचर यूनिट अमाउंट से राइज करें, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहते हैं. तो यहाँ पे भी तो हमने एम मास, मान लो इसका इस कॉपर स्फीयर का मास है एम, और इस एम मास बॉडी में हमने बाहर से कितनी हीट सप्लाई की, क्यू वन. और इस क्यू वन की वजह से टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जब टेम्परेचर राइज होगा एम मास बॉडी में, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम बाहर से सप्लाई करते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट उस मटेरियल बॉडी की हीट कैपेसिटी हो जाती है, मतलब ये बनेगी इसकी हीट कैपेसिटी. तो क्यू वन यहाँ पे हीट कैपेसिटी है और क्यू टू भी हीट कैपेसिटी है. मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया हीट कैपेसिटीज का रेशो बता दो. ये जो क्यू वन बाई क्यू टू है, ये हीट कैपेसिटीज का रेशो हो गया बेटा. इसने कन्फ्यूज करने के लिए बोला है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. कि आपको पता होना चाहिए कि जब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 केल्विन, उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं बेटा. क्यू वन यहाँ पे हीट कैपेसिटी है और क्यू टू भी हीट कैपेसिटी है, क्योंकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर हम यूनिट अमाउंट से राइज कर रहे हैं, 1 केल्विन से राइज कर रहे हैं. तो अब आपको याद आना चाहिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला. तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एम एस, महेंद्र सिंह धोनी. इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं. तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो पहली हीट कैपेसिटी होगी, तो हम लिखेंगे इस तरह से बेटा, क्यों ये हीट कैपेसिटी, और मान लो ये हीट कैपेसिटी है एम इंटू एस के बराबर, एम इंटू एस. सीधे ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्यों इज इक्वल टू एम इंटू एस. वट इज क्यों? तो क्यों यहाँ पे हीट कैपेसिटी है. दिस क्यू इज नॉट हीट, वो वाली हीट नहीं है बेटा जो हम सप्लाई करते हैं, ये सीधे हीट कैपेसिटी है इस मटेरियल बॉडी की, हीट कैपेसिटी. ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा बेटा. अब यहां पे हीट कैपेसिटी मास और स्पेसिफिक हीट, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट इस कॉपर स्फीयर का. अब स्पेसिफिक हीट, और हमें स्पेसिफिक हीट तो पता नहीं है बेटा, बट मुझे पता है सिंपली रेडियस. तो इसको रेडियस के टर्म्स में इस फॉर्मूला को लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे मास है और मास को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस में. कैसे करेंगे? तो आपको पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम. एम मतलब मास, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. आपको पता है कि डेंसिटी डी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम.
है ना, और इसलिए मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहां पे आएगा एस, और इसको फर्दर लिखेंगे क्योंकि हमें इसको रेडियस के टर्म्स में लिखना है, तो क्यों किसके बराबर आएगा, तो क्यों आएगा बराबर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, कॉपर स्फीयर का, तो कॉपर स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 pi और रेडियस का क्यूब आएगा बेटा, फिर हम इस प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे बेटा। तो दिस इज हीट कैपेसिटी विच इज 4/3 pi r³, ये मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसके बाद आएगा डेंसिटी कॉपर की डेंसिटी, और फिर यहां पे आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, है ना। अब देखो यहां पे बेटा क्या मिल रहा है आपको बेटा, देखो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है बेटा, डेंसिटी भी सेम है बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, ये दोनों कॉपर स्फीयर चूंकि सेम मटेरियल के बने हैं तो डेंसिटी भी सेम होगी, और चूंकि ये दोनों सेम मटेरियल के हैं बेटा, और इसलिए इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, और दूसरी ये डिपेंड करते हैं चेंज स्टेट स्टेट ऑफ ए बॉडी पे, तो अगर स्टेट चेंज हो जाएगा बॉडी का तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बदल जाती है। जैसे मान लो अगर पानी लिक्विड के फॉर्म में होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जब ये पानी आइस होता है इसका स्टेट जब चेंज हो जाता है, अब ये किस स्टेट में आ गया, आइस स्टेट में आ गया, तो जब पानी आइस होता है तब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1/2 होती है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, आधी कम होगी, और जब यही पानी जब स्टीम होता है तब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कम हो जाते हैं, मतलब 0.49 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे बेटा कि एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरी ये डिपेंड करती है स्टेट ऑफ बॉडी पे, कि कौन सा स्टेट है बॉडी का, वो लिक्विड है सॉलिड है या वो गैस है, उस पर वो डिपेंड करते हैं बेटा। तो यहाँ पे तो दोनों सेम मटेरियल के हैं बेटा, और दोनों सेम मटेरियल होने की वजह से इसकी भी स्पेसिफिक हीट एस होगी और इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस होगी, तो एस भी कांस्टेंट है बेटा, तो 4/3 pi d s कांस्टेंट है बेटा, बट रेडियस अलग अलग है। तो अब देखो इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, मतलब रेडियस अलग अलग होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि q इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू r³, है ना। तो इसका मतलब जो हीट कैपेसिटी है वो इन स्फीयर्स के रेडियस के क्यूब के प्रपोर्शन होगी। अब यहां से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप क्या करेंगे, अब इनको कंपेयर करना है, दोनों स्फीयर्स के हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करना है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहां पे बेटा, तो यहां पे क्यू है तो हम लिखेंगे q₁/q₂, है ना, क्योंकि हमें दो स्फीयर्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंपेयर करना है, तो क्यू के बदले मैंने लिख दिया q₁/q₂, और प्रपोर्शनलिटी के बाद आएगा इक्वलिटी, और इक्वलिटी में आएगा कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या है r³, मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ रेडियस ऑफ क्यूब है, इसका मतलब r³ का मतलब हुआ यहां पे हम लिखेंगे r₁, r मतलब r₁ और नीचे आएगा r₂, और चूंकि यहां पे होल क्यूब है बेटा तो इसमें भी आएगा होल क्यूब, बस काम खत्म। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं ना q₁/q₂ इनकी हीट कैपेसिटीज का रेशियो, तो कितना आएगा, तो r₁ कितना है, तो इसने क्वेश्चन में बोला है r₁ है 1.5 r₂, तो हम लिखेंगे यहां पे 1.5 और यहां पे आएगा r₂, तो नीचे डिवाइड में भी क्या है r₂ होल क्यूब। अब इसमें से r₂ कैंसिल होगा तो ये आएगा 1.5 का होल क्यूब, और 1.5 का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.5 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं शबाश, तो इसको फर्दर हम यहां पे लिख सकते हैं, है ना, तो यहां पे लिखते हैं q₁/q₂ किसके बराबर आएगा, तो q₁/q₂ होगा बराबर शबाश। अब ये 1.5 है, 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, 1.5 इज 15/10, और इसका क्यूब करना पड़ेगा यहां पे, तो अब इसको ऐसे 15 × 15 × 15 नहीं करेंगे बेटा, पहले इसको काटो, तो यहां पे कसर मारते हैं, 5 3 हो गया 15, 5 2 हो गया 10, मतलब ये आ गया 3/2 का होल क्यूब, और 3 का क्यूब कर दो तो कितना आएगा 27 आएगा, और 2 का क्यूब कर दो तो आएगा 8, मतलब रेशियो होगा 27/8, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बेटा, यही रीजन है कि ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। तो हीट कैपेसिटीज इन दोनों कॉपर स्फीयर्स के
हीट कैपेसिटीज का रेशियो है 22/7। और ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कराया आपको बेटा, ये प्रॉब्लम आई है नीट 2020 में, मतलब पिछले साल के नीट के पेपर में एक प्रॉब्लम है, नीट 2020 के नीट के पेपर में क्वेश्चन आया है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था हीट कैपेसिटी का, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से आपने इसको सॉल्व किया बेटा। इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बनाकर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे हमें किन दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना था, Q1 और Q2 को, ठीक है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट। लेट अस स्विच टू क्वेश्चन नंबर 2। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस इज 8 कैलोरी, द स्पेसिफिक हीट इज इन जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब हमें क्या दिया है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बेटा, ये हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि एम मास बॉडी में हम कितना बाहर से हीट सप्लाई करें, सो दैट उसका टेम्परेचर यूनिट अमाउंट से राइज हो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 degree Celsius or 1 Kelvin इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज गिवन, हाउ मच, 8 कैलोरी, और सबस्टेंस का मास कितना है, वो है 10 ग्राम, और हमें फाइंड करना है उस सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सीधे सीधे लगेगा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि Q इज इक्वल टू एम इंटू एस, मतलब शॉर्ट में महेंद्र सिंह धोनी, तो एम एस मतलब महेंद्र सिंह, इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। तो यह है हीट कैपेसिटी और यह है एम एस के बराबर, ठीक है। अब एम मतलब उस सबस्टेंस का मास और एस है उस सबस्टेंस के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमें इसी एस को वर्कआउट करना है बेटा, मुझे एस फाइंड करना है ना, इस उस सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे फाइंड करनी है। अब क्यों कितना है, तो क्यों है यहाँ पे 8 कैलोरी, तो हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू एम मतलब उस सबस्टेंस का मास, तो सबस्टेंस का मास है 10, और एस हमें फाइंड करना है, एस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा हमें एस, तो कितना आएगा एस, तो एस आएगा 8 डिवाइड बाई 10, और यूनिट क्या होगा एस का, तो चूंकि ये सीजस में सारी कहानी सीजस में है, क्योंकि हीट एनर्जी भी सीजस में है और मास भी ग्राम में है, इसको ना सीजस में है, तो सीजस में इसका वैल्यू आएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस सबस्टेंस की, कितनी, 8 डिवाइड बाई 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बट इसने तो बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई में कितना होगा, मतलब आपको जूल पर केजी पर केल्विन में बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। देखो अब क्या लिखेंगे बेटा, 8 इंटू, अब ये जो कैलोरी इसको जूल बनाते हैं बेटा, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो यहाँ पे हमें कैलोरी को जूल में एक्सप्रेस करना है, तो हम लिखेंगे 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी है 4.2 जूल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2 जूल, ये मैंने लिख दिया 4.2 जूल। उसके बाद नीचे 10 और इस ग्राम को कन्वर्ट करना है केजीज में, तो ग्राम मतलब 10^-3 kg, है ना। तो कैलोरी को मैंने जूल में बदला और ग्राम को मैंने केजी में बदल दिया, 1 ग्राम होता है 10^-3 kg। अब ये है डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम केल्विन लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे थर्मोमीटरी में, तो थर्मोमीटरी में एक प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब जितना टेम्परेचर में चेंज आता है डिग्री सेल्सियस में, उतना ही टेम्परेचर में चेंज आता है केल्विन में, मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल पे अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, तो जितने अमाउंट से आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन स्केल में भी उस टेम्परेचर का उतना ही अमाउंट चेंज होता है बेटा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस के स्केल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और केल्विन स्केल को भी हम
100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। इसलिए ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना चाहिए कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन कैल्विन, चेंज इन टेम्परेचर इन डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, सो चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन कैल्विन। तो इस प्रॉपर्टी को हम थर्मोमीट्री में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे जो टॉपिक हमारा होगा वो थर्मोमीट्री है, जैसे हमने कैलोरीमीट्री पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीट्री, उसमें भी आपको ये डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है बेटा, बट फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जहां पे ये क्या है बेटा, ये है पर डिग्री सेल्सियस, तो आप इसके बदले पर डिग्री कैल्विन लिख सकते, सॉरी पर कैल्विन लिख सकते बेटा, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा एस, तो एस आएगा बराबर, अब यहां पे आएगा देखो 8 × 42, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 8 × 42, ठीक है 8 × 42, और ये 10^3 ऊपर, ये 10^3 ऊपर, तो ये आएगा 1000 ऊपर है ना, और 4.2 को मैंने लिखा 42, तो 4.2 को अगर 42 लिख रहे हैं तो आपको लिखना है 42/10, और वो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ नीचे आएगा 100, नीचे मिल रहा है आपको 100, बस ये मिलेगा बेटा 8 × 42/10, और इससे जो 10 मिलेगा वो 100 होगा, और ये 10^3 ऊपर है, और आंसर आएगा जूल पर केजी पर कैल्विन, इसमें हमें आंसर फाइंड करना है। तो सीधे ये दो जीरो कटेंगे यहाँ पे है ना, ये दो जीरो कट रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 8 × 10^80, मतलब इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 80, तो ये आएगा 80, और 80 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, मतलब इसे 42 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आंसर किस में आएगा, जूल पर केजी पर कैल्विन, सो जूल पर केजी पर कैल्विन। बस अब देखो ये 80 × 42 किसके बराबर होगा, तो 42 को हमें 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 0, 8 × 2 = 16, 16 6 एक कैरी आएगा, 8 चुके 32, 32 और 1 हो गए 33, मतलब 3360, तो आंसर आया यहाँ पे 3360 जूल पर केजी पर कैलोरी। तो ये है हमारा आंसर है बेटा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब 3360, तो 3360 मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया बेटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर सिंपली यहाँ पे कन्वर्शन करें, एक तो ये फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे हीट कैपेसिटी का, उसी से एस मिला मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर उसका कन्वर्शन करके हमने कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को जूल पर केजी पर कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही आसानी से ये कन्वर्शन हो सकता है बेटा, ये कन्वर्शन अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए बेटा, ठीक है। तो लेट अस नाउ डू द प्रॉब्लम नंबर थर्ड, लेट अस नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। 10 kg ऑफ वाटर एट 0° सेल्सियस इज मिक्सड विद 20 kg ऑफ वाटर एट 90° सेल्सियस। तो 10 kg वाटर, दिस इज 10 kg वाटर, जीरो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको हमने मिक्स किया, इसको मिक्स किया, मिक्स विद, इसको हमने मिक्स किया 20 kg वाटर एट 90° सेल्सियस। तो 10 kg वाटर जो 0° सेल्सियस पे था उसको हमने मिक्स किया किसके साथ, 20 kg वाटर जो 90° सेल्सियस पे था। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी कोल्ड बॉडी, और ये बनेगा 20 kg वाटर जो 90° सेल्सियस पे है, ये बनेगा हॉट बॉडी। तो हीट का एक्सचेंज होगा जब मिक्सिंग होगी, जब इन दोनों की हम मिक्सिंग करेंगे हीट का एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, तो ये होगा हीट का एक्सचेंज का डायरेक्शन, ठीक है। और तब तक हीट एक्सचेंज होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर काम ना आ जाए, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो जाएगा। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है अब, थीटा, और इसी थीटा को हमें फाइंड करना है, मतलब हमें इस थीटा को वर्कआउट करना है। लेट अस फाइंड नाउ दिस एंगल थीटा, ये मिक्सचर का टेम्परेचर है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला,
या ये वाला फॉर्मूला बेटा, सी रे एम वन एस वन थीटा वन प्लस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। हमने दो फॉर्मूला आपको मिक्सचर के बता दिए, लाफ मिक्सचर में दो फार्मूला है, एक है ये थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला है मिक्सचर का टेम्परेचर को फाइंड करने का, और ये फार्मूला भी हम, इससे भी हम मिक्सचर के टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व नाउ दिस, तो आप इसे इससे ट्राई कर लेना, इस फार्मूला से इसको ट्राई कर लेना। चलो अब हम करेंगे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा जब हम इनकी मिक्सिंग करेंगे, जब इनकी मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम वन, तो एम वन कितना है 10, तो सीधे लिखेंगे हम 10 इंटू, उसके बाद है एस वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की, और वाटर की होती है 1, आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 1 आएगा। उसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा मिक्सचर का टेम्परेचर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है, और माइनस आएगा थीटा 1 मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। इस प्लस, फिर प्लस करना है प्लस m2 मतलब हॉट बॉडी का मास, हॉट बॉडी का मास कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और फिर उसके बाद है s2 मतलब हॉट बॉडी क्या है यहाँ पे, हॉट बॉडी है वाटर, तो मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा थीटा माइनस थीटा 2, थीटा मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर, और माइनस थीटा 2, थीटा 2 हो गया हॉट बॉडी का टेम्परेचर, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो वह है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, तो यहाँ पर लिखना है 90। बस अब इसे थीटा के लिए सॉल्व करो, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना है 0, इज इक्वल टू 0। अब इसे थीटा के लिए सॉल्व करो, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 10 थीटा, 10 इंटू थीटा, और ये आएगा प्लस प्लस 20 थीटा, और ये आएगा यहाँ पे माइनस माइनस, ये 2 जीरोज आएंगे है ना, और 2 नाइन जार हो गए 18, मतलब 1800 आएगा, 1800, और इज इक्वल टू में आएगा 0, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमें थीटा फाइंड करना है बेटा, तो 220 थीटा प्लस 10 थीटा कितना हो गया 30 थीटा, तो ये आएगा 30 थीटा। थीटा क्या है, मिक्सचर का टेम्परेचर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1800, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है फिर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर है 1800, और इसे डिवाइड करना है 30 से, तो इसे 30 से डिवाइड करो, तो उसमें से एक जीरो कटेगा, तो 3 से काटो, 3 6 18, तो मतलब 60, तो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिक्सचर बनेगा ना, जब हमने 10 केजी वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको हमने मिक्स किया किसके साथ, 20 केजी वाटर जो 90 डिग्री सेल्सियस पे था, तो मिक्सिंग के बाद जो मिक्सचर बनेगा, अब इनका एक मिक्सचर बना, अब बना यहाँ पे मिक्सचर है ना, तो यह है मिक्सचर, यह है मिक्सचर, कैसे बना मिक्सचर, 10 केजी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को हमने मिक्स किया, 20 केजी वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस, तो जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस, तो यह है मिक्सचर का टेम्परेचर, तो आंसर आएगा इसका 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया बेटा, आई होप कि आपको यू हैव एंजॉयड दीज न्यूमेरिकल्स, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं नीट में, तो घबराना नहीं चाहिए, बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए उनको आप रिपीटली उनका वीडियो देखो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो मेरा नंबर है 7006277 7402, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो या मुझे ईमेल करो, bhatbashir@gmail.com, तो या तो मेरा मुझे ईमेल करो या मुझे कांटेक्ट करो इस नंबर पे। तो अब मैं इसका एक कंपोनेंट भी आपको सेंड करूंगा, कंपोनेंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, बट जो फॉर्मूला हमने तैयार किए
उन्हीं फार्मूला के बेस पे वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। तो जितने आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि फिजिक्स को लर्न करना चाहिए बाय डूइंग प्रॉब्लम्स। तो कभी भी थ्योरी मत पढ़ो फिजिक्स में, मतलब पहले थ्योरी मत, मतलब आप ये मत समझो कि हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी से, तो थ्योरी से कभी फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उससे से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। तो मैं आपको कॉम्पेंडियम इसका सेंड करूंगा जल्दी, तो उस कॉम्पेंडियम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोमीटर की। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।